तो जिन्होंने साधवाद की कुशलता से सुनिश्चल संयम के माध्यम से चैतन्य स्वरूप आत्मा ही सुखकारक है ऐसा निर्णय किया है, तो उनके तो अंदर वह आत्मा ही निरंतर चलता रहता है। इसलिए स्वमेव उपयुक्ता भाव यदि अरहा, निरंतर उसी का जो ध्यान करते हैं और जो ऐसा श्रयति भूमि विमान से का वह ज्ञान मात्र भूमि का आश्रय करते हैं, वे वास्तव में साधक है और साधक बन करके सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। अब मैं इसका श्लोकार्थ और भावार्थ सिर्फ पढ़ता हूँ। हाँ जी, यदि बिना निर्णय के पहले क्रिया रूप में व्रतादि अंगीकार किए हुए हैं तो वह क्रिया की शुद्धता और परिणामों की विशुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन उन परिणामों की विशुद्धि से फिर इधर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा है, पहले से हो गया है, बहुत बढ़िया है, अब उसका उपयोग यहाँ करने की आवश्यकता, उसका जो मूल प्रयोजन था, मूल उद्देश्य था, वो गायब हो रहा है, तो उस प्रयोजन को उसके साथ जोड़ें, छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस टोटरबल जी ने ये कहा ना प्रशस्त क्रिया के संदर्भ में, जब तक सहज वितराग रूप ज्ञाता दृष्टा रूप न रहा जाए तब तक प्रशस्त राग रूप आचरण करो, परंतु संधान में उसे मोक्ष मार्ग मानना मिथ्यात्व है। यानी वो व्रताधिक अंगीकार करने से मिथ्या दृष्टि हो गए ऐसा नहीं, क्रिया करने से मिथ्या दृष्टि हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन उस क्रिया को ही मोक्ष मार्ग मान रहे थे, ये गलती थी। अब साधवाद की कुशलता ना जिनवाणी का अध्ययन करे, जिनवाणी का मनन करे और ऐसे निवृत्ति वाले जिनवाणी का मनन चिंतन अधिक कर सकते हैं, तो उलझे हुए कैसा करेंगे। इसलिए जो लिया है वो अच्छा है। जो पुरुष अर्थ पढ़ रहा हूँ, साधवाद में प्रवीणता तथा संयम का अर्थ क्या करे, रागादिक अशुद्ध परिणति के त्याग रूप सुनिश्चल संयम, इन दोनों के द्वारा अपने में उपयुक्त रहता हुआ अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में उपयोग को लगाता हुआ प्रतिदिन अपने को भाता है, निरंतर अपने आत्मा की भावना करता है, वही एक ज्ञान ने क्रिया ने की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ इस भूमिका का आश्रय करता है अर्थात ज्ञान मात्र अपने स्वभाव का लक्ष्य करता है तो वह साधक बनता है। जो ज्ञान नहीं कोई ग्रहण करके क्रिया नहीं को छोड़ता है उस प्रमादी और स्वच्छंदी पुरुष को इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। जो अकेले स्वाध्याय स्वाध्याय में लग रहे हैं, स्वाध्याय में लग रहा व्रताधिक अंगीकार कर रहे हैं उसकी बात नहीं, बल्कि स्वाध्याय में लग करके जो पढ़ा सुना समझा उसको एकांत में बैठ करके विचार करे, चिंतन मनन करे, लेकिन साथ में सामान्य सदाचरण भूमिका अनुसार न हो ये भी ठीक नहीं है। इसलिए स्वच्छंद उसको भी, जो स्वच्छंद ही हो रहा हो उसे भी भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई। जो क्रिया नहीं कोई ग्रहण करके ज्ञान नहीं को नहीं जानता अर्थात व्रत समिति गुप्ति रूप शुभ कर्म से संतुष्ट पुरुष को भी इस निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। जो पुरुष अनेकांत में आत्मा को जानता है तथा सुनिश्चल संयम में प्रवृत्त है, रागादिक अशुद्ध परिणति का त्याग करता है, ऐसा कह के कि दोनों पकड़े हैं इसमें, स्वरूप की स्थिरता भी और बाहर से निवृत्ति रूप व्रतादिक भी दोनों लिए हैं, और इस प्रकार जिसने ज्ञान ने तथा क्रिया ने की परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है वही पुरुष इस ज्ञान मात्र निज भाव में भूमिका का आश्रय करने वाला है और वही वास्तव में साधक है और वह साधक ही सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकता है। हम भी साधवाद की कुशलता सुनिश्चल संयम के माध्यम से साधक बनते हुए सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसी मंगल हो। पारिवारिक कार्यवश नागपुर आगमन हुआ और उस निमित्त से तीन प्रवचनों का लाभ